पोस्ट ऑपरेटिव डे है, इनका हमने ACL रिकंस्ट्रक्शन और मीडियल मेनिस्कस रिपेयर किया है। आप स्कार्स दे सकते हैं, स्टिचेज अब आउट हो गए हैं सब। ये सिर्फ टेम्प्रेरी ड्रेसिंग है जो हम कल हटा लेंगे। मलिका को हमने एडवाइस किया था रेगुलर फिजियोथेरेपी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फिजियोथेरेपी इज़ ए वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ नी सर्जरी। लेकिन मलिका के फादर को डॉक्टर हैं और आई ट्रस्टेड द पेशेंट, लेकिन उन्होंने खुद ही फिजियोथेरेपी करने की कोशिश की। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पेशेंट फेस व्हेन दे डोंट हैव ए प्रोफेशनल असिस्टेंस। पहले हम लेफ्ट साइड देखेंगे। आप देखिए कि हम क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथ देख रहे हैं। मलिका इसको प्रेस करें, पुल योर टोज अप एंड स्टार्ट लिफ्टिंग। जब हम क्वाड्रिसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन ए नॉर्मल पर्सन, तो वी कैन सी दैट अबाउट 6 inches का गैप रहता है। यू कैन लिफ्ट द हील इजीली, आराम से इतना लिफ्ट कर सकते हैं आप। अब हम चलते हैं राइट साइड, जहाँ सर्जरी हुई है। पिछले 11 डेज से खुद फिजियोथेरेपी कर रहे हैं पेशेंट। तो आप देखेंगे, प्रेस इट डाउन एंड ट्राई टू लिफ्ट योर हील, हार्डली 3 inches, बहुत मुश्किल से कर पा रहे हैं। अगेन डिफरेंस देखते हैं, लेफ्ट साइड जो नॉन ऑपरेटेड साइड, हाँ जी लिफ्ट ऑलमोस्ट 1 foot पेशेंट पूरा लिफ्ट कर पा रहा है। तो ये क्यों होता है कि हमारी जो क्वाड्रिसेप्स है वो वीक हो जाती है, स्पेशली जो VMO है, जो मीडियल पार्ट है क्वाड्रिसेप्स का, वो वीक हो जाता है और पेशेंट नहीं कर पाता है, सब मसल गेट्स इनहिबिटेड। इसलिए हमें एक प्रोफेशनल हेल्प की हमेशा ज़रूरत है। अब हम ट्रेन करेंगे मलिका को भी कैसे करना है ये, और नॉट ओनली क्वाड्रिसेप्स, आई एम श्योर कि इनकी कोर मसल्स, अबडक्टर्स और वो सारा जो काइनेटिक चेन है वो पूरा वीक है। एंड आई होप कि जैसे हम इनको ट्रेन करेंगे, डॉक्टर छाया प्लीज, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर छाया, इनको हम असाइन कर रहे हैं, और विद इन ए वीक विल सी द रिजल्ट्स। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।